हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज मैं आपको फेयरवेल जो क्लास 10th सत्र 2022-23 का होने वाला है, इनके हर एक्टिविटी हम लोग फेयरवेल कैसे मनाएंगे, अपनी सभ्यता संस्कृति के आधार पर फेयरवेल का कार्यक्रम करने वाले हैं और इस विदाई समारोह को बहुत ही धूमधाम से मनाने वाले। बने रहें और देखते रहें। विद्यालय के अभिभावक कोषाध्यक्ष श्रीमान अजय शर्मा जी, उपस्थित यहाँ पर अपने आचार्य वृंद, दीदी जीगण और देवतुल्य, जिनके नाम पर विद्यालय विदाई समारोह का आयोजन हुआ है, हमारे भावी देश के परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामना। जिस प्रकार द्वापर युग में हमारे पूरे विश्व के सबसे अच्छे धनुधर अर्जुन जी पूरे कार्यक्रम में जो मछली के आंख में तीर वेदना था, वो नीचे देखकर भी ऊपर में अपने तीर का भेदन किया था और अपना उस स्वयंवर को जीता था। भैया बहन, आपका भी एकदम ठीक वो धनुधर अर्जुन, जिस प्रकार उसकी दृष्टि उनके जो गुरुवर ने पूछा था कि बताओ तुमको क्या दिखाई पड़ता है, तो केवल वह अर्जुन ही था जिन्होंने कहा था केवल मछली की आंख दिखाई पड़ती है। ठीक उसी प्रकार यहां पर जितने अभी उम्मीदवार हैं,
जिसको हम एमएससी कहते हैं, सेंट अप कैंडिडेट ऑफ मैट्रिक, जो सेंट अप कर चुका है, ध्यान केवल आपके जो सफलता हासिल होना है, आपका जो लक्ष्य है उस पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। इस विदाई सभा समारोह के संचालक महोदय से मेरा आग्रह होगा, मैं तो हमेशा आशीर्वाद देता रहता हूं, हमारे बीच जो अतिथि आए हैं उनसे भी आशीर्वचन लेने का मैं आग्रह करूंगा। हम लोगों के बीच अतिथि महोदय गण आए हुए हैं और हम लोगों के ही भैया हैं शुभम कुमार जी, जो यहीं के प्रोडक्ट हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप हम सबों के बीच दो शब्द रखने का प्रयास करेंगे। शुभम नमस्ते, और सभी भैया कौन है, हमें आज बहुत खुशी मिल रही है कि आज हमारे विद्यालय से मैट्रिक के भैया बहन आज विद्यालय से जा रहे हैं, और कुछ दुख भी लग रहा है और कुछ खुशी भी लग रही है, क्या कि आज विद्यालय से विद्यार्थी निकलेंगे और विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्षेत्र जाते, हमारा आशीर्वाद है और सब लोग मन लगा के पढ़िए और मैट्रिक का एग्जाम दीजिए और सभी लोग प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन कीजिए। डब्लू भगत जी से आग्रह है कि आप हम लोगों के बीच आकर हम सभी भैया बहनों के उज्जवल भविष्य के बारे में दो शब्द रखने का प्रयास करें और आगे भी बढ़िए, इस विद्यालय का नाम रोशन करिए। खासकर इस विद्यालय के शिक्षकों को मेरा सबसे ज्यादा शुभकामना है कि आप लोगों ने तन मन धन कम पैसों में रहकर भी विद्यालय में अपने बच्चों को, शिक्षण संस्थान को आगे बढ़ाया, रोशन किया, जिला में नाम है। इसलिए मेरी ओर से सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आगे बढ़े, पढ़े लिखे, इस विद्यालय का भी आप लोग आगे कुछ बनेंगे तो इस विद्यालय का भी नाम रोशन होगा और हम लोग भी यहाँ के समाज के तौर पर हम लोगों को भी कहीं बोलने का भी मौका मिलेगा। हमारे यहाँ विद्यालय है, वहाँ से इस लड़का, इस भाइया बहन ने ये काम किया, ये कम्पिटिशन पास किया, इसलिए आप लोगों को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से The sun loves moon, moon loves star, stars love you, but heartily I welcome to all of you and in this farewell of class 10th, some girls, some sister from class 5, they are coming for a farewell song, so please I request you come and show your performance from class 5. आप सब ना जाओ,
से आग्रह है कि आप हम सबों के लिए दो शब्द, बहुत सारा कार्यक्रम है, एक से बढ़कर एक डांस भी है और फेयरवेल सॉन्ग भी है, एकल गीत भी है, इसलिए आप लोग हर बढ़ाए नहीं, आप लोग थोड़ा शांति बना के रखें और आनंद लेने का प्रयास करें। जो कार्यक्रम है वह कक्षा दसम के भैया बहनों का विदाई समारोह है। विदाई का मतलब हमसे दूर हो जाना है, ऐसा नहीं सोचें, कुछ क्षण के लिए जुदाई हो रही है, पुनः हम लोग मिलते रहेंगे, ठीक है। यहां उपस्थित सभी भैया बहनों को दसम क्लास के भैया बहनों से सीख भी लेना है कि वह कितने अनुशासित रहे हैं। कहा जाता है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, ये आप सभी भैया बहन अच्छी तरह जानते हैं। और दसम क्लास का भैया बहनों को तो पूर्ण अनुशासित होना चाहिए पूरे वर्ष में। अब कितना अनुशासित है आपसे अधिक कोई नहीं जानता है। अब मेरा नाथ आपके पास नहीं है, जितना दिन तक मेरे हाथ में आपका नाथ था मैं डाइट करने का प्रयास करता रहा, अब मेरे हाथ में आपका नाथ नहीं है, आपका लगाम मेरे हाथ से छूट चुका है। आपसे अनुरोध मैं कर सकता हूं और अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि जितना समय बचा हुआ है आपके पास उसको पूर्ण अनुशासित तो होकर अब अपना काम करेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य। मेरे ओर से आप सबों को शुभकामनाएं, अच्छा रिजल्ट करें, प्रत्येक साल का रिजल्ट को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ें, यही मेरी सोच रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग लाइफ में इसका अनुसरण करेंगे क्योंकि कहा जाता है कि विदाउट डिसिप्लिन वी कांट प्रोग्रेस इन आवर लाइफ, सो स्टेप टू स्टेप मींस ऑलवेज यू मस्ट टेक केयर अबाउट योर फ्यूचर एंड अबाउट योर प्रेजेंट टाइम, बिकॉज इट इज रियली से ओनली प्रेजेंट टाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। We must trust in God, don't believe in orthodox. Means, try always, you will be progress in your life. So after this, 7th, some sisters are coming for a group dance. It is so melodious and so clever dance. So, please come for show your performance. Thank you.
आदरणीय अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी, आचार्यगण, दीदी जीगण और हमारे विद्यालय के भैया बहन, आप लोगों के समक्ष एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कक्षा दसम के विद्यार्थी जो आगे जाकर उनको अनेक मुकाम हासिल करना है, उनके लिए एक एकल गीत। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान सान या की जाजे एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है वो भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों का भीड़ हो जो लड़ सका है, वो ही तो महान है। आरंभ है प्रचंड जीत, जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान सान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। धन्यवाद आचार्य। नारायण जी संचालक, आचार्य गणेश जी और अभी जो नई एक आयाम नया जोड़ा गया है संगठन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि युवा पीढ़ी जब तक नहीं चाहेगी कुछ नहीं हो सकता। ऐसे पूर्ववर्ती छात्र अध्यक्ष अभी नहीं, भाषण खत्म होने के बाद युवा हम लोग और लालदेव सभी आचार्य आचार्य अतिथि हमारे बीच पधारे, बोरा से अभिभावक और मुख्य रूप से देश के भविष्य कर्णधार जिसके कंधे पे इस देश का भविष्य छिपा है, हमारे भैया बहन, आज विदाई की वेला है। विदाई की वेला में शब्द नहीं निकलते और ऐसे समय में हम क्या कहें, लेकिन फिर भी कुछ कहना पड़ता है। आप यहाँ से जा रहे हैं, थोड़ा गम भी है और खुशी भी है कि आप जहाँ जाएंगे उस क्षेत्र में नाम रोशन करेंगे। यह अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान हम लोगों का विद्या भारती, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बचाने और उसके प्रचार के लिए हम सभी, हमारा जो मोटो है विद्यालय का, आप सभी रोज उसको बोलते हैं, हम आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आप उसको बचा के रखेंगे। जो आपने यहाँ संस्कार सीखा है, जो आपने यहाँ पाया है, जो आचार्यों ने
लोगों ने मिलकर के आपने ग्रहण किया है उस संस्कृति को बचा के रखना है, क्योंकि भारत को हमें फिर से एक बार विश्व गुरु बनाना है। और ये जब तब तक नहीं होगा जब तक कि हम युवा पीढ़ी हम सभी जागरूक नहीं होंगे। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि भी है, 11 जनवरी आज का दिन है। आज ही के दिन में इनका देहावसान, मुगल सराय आप सभी जानते हैं बिहार के बाद पड़ता यूपी में, वहाँ रेलवे रेल में इनका जो है संशय बना हुआ और अभी तक यानी इनकी हत्या की गई। और आज के दिन ये संस्थापक थे भारतीय जनता पार्टी के, हम आज इनके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं इनको भी, क्योंकि इनकी पुण्यतिथि है। कहा गया है कि हम युवा हैं, हम करें मुश्किलों से सामना। एक बूढ़ा व्यक्ति चाहेगा कि हम देश की सेवा करें, हम बॉर्डर पर जाकर लड़ें, चाह तो सकता है लेकिन कर नहीं सकता। खाट पे पड़े पड़े सोए सोए वह सोच सकता है कि जाएंगे हम लड़ेंगे, लेकिन सोच सकता है कर नहीं सकता। अगर कर कोई सकता है तो वह युवा पीढ़ी को ही करना पड़ेगा, वह आपको दिशा निर्देश दे सकता है। तो आपके लिए हम ये कहना चाहेंगे आज के दिन जो विद्यार्थी हैं जो यहाँ से जा रहे हैं, आप रिजल्ट अपन, और जैसा कि सभी उम्मीद कर रहे हैं कि पहले का जो भी रिकॉर्ड यहाँ बना है उससे ज्यादा नंबर लाना है, सभी लोग प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करें, यही शुभकामना आपको है, आपके लिए है। और जिज्ञासा आपके अंदर पैदा होना चाहिए, जागृति पैदा होना चाहिए। जब तक जिज्ञासा नहीं आएगा, जागृति नहीं आएगा, लगन नहीं होगा, जुनून नहीं होगा, दिल में आग नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जगना पड़ेगा, आपके अंदर जागृति होनी चाहिए कि हमको अव्वल करना है, हमको 95% 100% 90+ इससे कम नंबर नहीं लाना है, तो उसके लिए मेहनत करना है। और मेहनत आप कर भी रहे होंगे, अभी बहुत सुंदर नारायण जी ने और प्रधानाचार्य जी ने बताया आपको जो मंत्र दिए हैं, उस मंत्र को आप आत्मसात करके अगर राह पे चलेंगे तो जरूर सफल होंगे। और एक सूत्र हम देना चाहते हैं कि कोई भी है, आप तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे होंगे, हमको लगता है अभी रिवीजन चल रहा होगा, पढ़ाई तो कंप्लीट हो ही गया होगा, तो आप उसको लिखिए, किताब बंद कर दीजिए, क्योंकि कहा गया है रीड वंस राइट ट्वाइस थिंक थ्राइस, एक बार पढ़ो, दो बार लिखो और तीन बार सोचो। जब कभी भी आप सोचिएगा तो जो पढ़ी हुई आपका जो पढ़ा हुआ है वो दिमाग में आएगा और उसको रिटेन राइट, इसके बाद उसको मिलाइए कि ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है, ये सूत्र है, ये कहाँ मिस हो रहा है, दिमाग में जोड़ डालिए। तुरंत किताब नहीं खोलना, दिमाग में जोड़ डालिए, आ जाएगा। और ऐसे करके जब आप क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा, रीड वंस राइट ट्वाइस थिंक थ्राइस, एक बार पढ़ना, दो बार लिखना और तीन बार सोचना। ये काम हम नहीं करते, बस पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, बस लिख रहे हैं, सो भी है, तो ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल जगे रहिए, रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं, अगर अच्छा कुछ करना है जीवन में तो रात को रात नहीं और दिन को दिन नहीं समझना है। रात कैसे बीत गया पता नहीं चला, पढ़ने जब आप बैठ नहीं बन रहा उसको खूब बनाइए, तुरंत गाइड मत लीजिए कहीं से सहारा, दिमाग एक्सरसाइज कम करते हैं हम लोग, तुरंत कहीं से सहारा ले लेते हैं, गूगल में आजकल तो मोबाइल में सर्च कर लेता है बहुत लोग क्वेश्चन का आंसर, और बहुत लोग गाइड रखता है गाइड से ले लेता है, बहुत लोग पहले का बना हुआ नहीं, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा दिमाग एक्सरसाइज कीजिए और तब जाके हिसाब जब बनेगा आपका, कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी थ्योरम हो, कोई भी चीज याद हो जो भूल रहे हैं, और जब एक्सरसाइज करके आप लिखिएगा और जब मिलाइएगा तब आपको लगेगा कि हमने बहुत बड़ी संपत्ति कमा ली है। आपकी कमाई क्या है? पढ़ाई। आप यहाँ क्या है? पढ़ाई है, ये मूल मंत्र है, पढ़ाई ही संपत्ति है। और विद्या एक ऐसा गया कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र, आप सभी जानते हैं। तो इस सब बातों को हमको प्रैक्टिकली रूटीन बना करके और काम कीजिए, मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मरतवा छाप में मिलकर भूले
गुलजार हो जाए। समय कभी काफी अधिक हो चुका है, फिर से एक बार आप सभी के लिए मंगल कामना, शुभकामना। आप यहाँ से जाएं, आपकी पहचान लगे कि हाँ विद्या भारती का विद्यार्थी आया है। जो संस्कार, नमस्ते, नमस्कार करना, अभिवादन करना और जिस तरह का वंदना हम माँ शारदे की वंदना करते हैं, भगवान का जरूर ध्यान कीजिए। एक बात याद रखना, जीवन में अगर कुछ करना है तो प्रत्येक दिन 2 मिनट कम से कम निश्चित रूप से आप ध्यान कीजिए। अपने आंख बंद करके या उठते समय एक बार जरूर कर दो, अगर चले बने 2 बार कर लिए, उठ के बैठे वो कराग्रह वस्त्र सारा संस्कार यहाँ पर आपको दिखाए, हाथ दर्शन कर सकते हैं, मिट्टी को प्रणाम करके तब आप पैर नीचे जमीन पे उतार लिए, मंत्र तंत्र। तो आंख बंद करके 2 मिनट बैठ के विचार के आंख खोलिए और धीरे धीरे जगिए, उसी समय भगवान का ध्यान कर लीजिए। सोते समय भगवान का ध्यान कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया तो हम उसके लिए 2 मिनट समय नहीं दे सकते हैं। तो ये ध्यान जब आप करेंगे तो ये पढ़ाई में काम देगा, आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा। आप करके देखिए, आज से शुरू कीजिए। 2 मिनट आंख बंद करके शांत करके सुनने में चले जाइए। निराकार प्रभु को याद कीजिए। धन्यवाद, शुभकामना। जाग कर हमको जगाना देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, स्वयं अब जा।